गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री टूडे आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर नंबर एट ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर सो लेट्स बिगेन नाउ सबसे पहले हम आज की डेट डालेंगे चैप्टर का नेम है वर्ब्स वर्ब्स के बारे में हमने चैप्टर नंबर सेवन में भी पढ़ा था वर्ब्स क्या होते हैं वर्ब्स को हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं या एक्शन वर्ड्स एक इंसान क्या कर रहा है जब हम उस बारे में बताते हैं और उसको बताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल शी इज़ डांसिंग तो मैंने बताया कि वो डांस कर रही है तो डांसिंग शब्द क्या हुआ वर्ब आई एम प्लेइंग दे आर ईटिंग तो ये सारे शब्द ईटिंग प्लेइंग डांसिंग इनको हम वर्ब्स कहते हैं इस चैप्टर में हम इन्हीं वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके लास्ट में आईएनजी लगता है जैसे प्लेइंग सिंगिंग रनिंग रीडिंग एक्सेट्रा ठीक है एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट बिलो ईच पिक्चर वॉट ईच ऑफ देम आर डूइंग चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ये कह रहा है यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं इन पिक्चर्स को देख के आपको पता लगाना है कि इन पिक्चर्स में ये लोग क्या कर रहे हैं आप यहां पे दिए गए वर्ड्स की मदद भी ले सकते हैं ठीक है यहाँ पे हम देख सकते हैं एक लड़की है जो डांस कर रही है सो हम यहां पे लिखेंगे डांसिंग सेकेंड पिक्चर में ये लड़का सो रहा है तो सोने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्लीपिंग थर्ड पिक्चर में यहाँ पे ये गर्ल है जो खा रही है खाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ईटिंग नेक्स्ट पिक्चर नंबर फोर में यहाँ पे एक लड़की बनी है जो कि गाना गा रही है गाना गाने को इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगिंग फिफ्थ पिक्चर में एक लड़का है जो कि हंस रहा है हंसने को इंग्लिश में बोलते हैं लाफिंग सिक्स्थ पिक्चर में ये बच्चा एक टॉय से खेल रहा है ंग पी एल ए वाई आई एन जी नेक्स्ट पिक्चर में एक लड़की है जो बस स्टॉप में खड़े हो के बस का इंतजार कर रही है इंतजार करने को हम कहते हैं वेटिंग सो डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी वेटिंग नेक्स्ट पिक्चर में एक बच्ची है जो कि लिख रही है लिखने को हम इंग्लिश में कहते हैं राइटिंग लास्ट पिक्चर में एक लड़का है जो कि पानी पी रहा है तो इसको हम कहते हैं ड्रिंकिंग सो डांसिंग स्लीपिंग ईटिंग सिंगिंग लाफिंग प्लेइंग वेटिंग राइटिंग ड्रिंकिंग नेक्स्ट राइट द आई एन जी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज गि इन द एग्जाम्पल्स यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं इन शब्द को हमें आई एन जी फॉर्म में बदलना है यानि कि इन शब्द के लास्ट में आई एन जी जोड़ के वर्ड बनाना है ड्रिंक में आई एन जी जोड़ देंगे तो ड्रिंकिंग ग्रेस का आई एन जी फॉर्म बनता है तो हम लास्ट में ई हटा देते हैं जो भी वर्ड्स ई e से खत्म हो रहे हो उसका जब हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो ई e को हटा देते हैं सो so, ग्रेजिंग हो गया जी आर ए जेड आई एन जी वॉच में आईएनजी लगा के वॉचिंग डांस में देखिए फिर ई e से खत्म हो रहा है तो ई e को हम हटा देंगे सो डी एन सी आई एन जी डांसिंग सिंगिंग सिंग का सिंगिंग आईएनजी जोड़ देंगे लाफ में भी आईएनजी ऐड करेंगे और रीड में भी आई एनजी एड करेंगे सो लाफ बिकम्स लाफिंग एंड रीड बिकम रीडिंग नेक्स्ट स्टॉप में हम जब डबल पी लगाते हैं और उसके बाद आई एन जी लगाते हैं तो बनता है स्टॉपिंग जंप में सिर्फ आई एन जी जम्पिंग पुश में सिर्फ आई एन जी पुशिंग कम में देखिए फिर से हम ई e हटा देंगे सो सी ओ एन आई एन जी कमिंग लुक Look में लुकिंग लिख Lick में लिकिंग नेक्स्ट राइट अगेन ई से खत्म हो रहा है तो ई e को हटा देंगे डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग ईट ईटिंग क्लीन क्लीनिंग हॉप हॉपिंग हॉपिंग में डबल पी होता है स्लीप स्लीपिंग वॉच वॉचिंग सो ये हमने वर्ड्स को आई एन जी फॉर्म में कन्वर्ट किया सो चैप्टर नंबर एट हमारा फिनिश होता है आप लोग बुक में चैप्टर नंबर एट को फिनिश कर लेंगे कॉपी में इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है दैट्स ऑल फॉर द टू क्लास थैंक यू वेरी मच